गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर संस्कृत टीचर फ्रॉम गोल्डन पब्लिक स्कूल। माय नेम इज पूनम रानी। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा यानी कि कक्षा 7 का व्याकरण भाग का षष्ठ पाठ है, संधि प्रकरणम पढ़ेंगे, यानी कि संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती है बच्चों? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संधि क्या होती है। संधि माने होता है जोड़ना, जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़, है ना, योग। जब हम किन्हीं दो वर्णों को जोड़ते हैं तो वहाँ संधि हो जाती है, और अगर उन्हीं वर्णों को हम अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद हो जाती है। तोड़ना विच्छेद और जोड़ना संधि। बच्चों, समास में भी जोड़ते हैं, लेकिन समास में शब्दों को जोड़ते हैं और संधि में वर्णों को यानी कि अक्षरों को जोड़ते हैं। ओके, इसकी शाब्दिक परिभाषा हम देख लेते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं कि संधि का अर्थ होता है मेल, मेल, योग, जोड़, कुछ भी। मेल व्याकरण में दो समीपस्थ यानी कि पास पास के, समीप यानी पास के वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को वर्ण बता दें, मैंने अक्षर अल्फाबेट्स संधि कहते हैं। जैसे दे प्लस हरी, देवारी, ये आपकी मात्रा जो बनी है ये संधियों के बनी है, बड़ा आ बना है। देखो, इस देव में ए, ये हमें पता ही है, हर व्यंजन में अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए छिपा होता है। जैसे देवर, अगर ए नहीं है तो हलंत होगा, इसलिए यहाँ पे हलंत नहीं है, ए छिपा हुआ है, तो इसका ए है ना, और ये वाला है आगे वाला, यानी कि लास्ट का और दूसरे शब्द के पहले का, पहले शब्द के लास्ट का वर्ण जुड़ेगा और दूसरे शब्द के फर्स्ट पहला वर्ण जुड़ेगा। तो इस ए और इस ए की संधि मेल हो गया है, संधि माने मेल, तो इसका मेल होके क्या बन गया, बड़ा बन गया। ये देखो, ए प्लस ए आ, तो ये देवा री, ये ए और ये ए मिलके बड़ा आ बन गया, आ की मात्रा में यहाँ पे ये शो हो गया, देवारी। और मैंने ये बताया कि पहले अक्षर का अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण जुड़ते हैं, मेल होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, महा प्लस इंद्र, तो इसमें कौन सा जुड़ेगा, ये आ लास्ट वाला अंतिम आ, आ से आ की मात्रा है तो आ है, और ये ई, तो आ और ई मिल के क्या बनते हैं, ए, ये दिखा रखा है, आ और ई यहाँ पे आ है बच्चों, ये ए नहीं आ। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र। आइए बच्चों देखते हैं हम कि महा प्लस इंद्र यानी कि आ और ई, छोटा ई जुड़कर मिलकर क्या बनी है, आ और ई मिलकर ए की मात्रा बन गई महेंद्र, ये ए में आ गई। तो मैंने ये बताया कि पहले अक्षर का लास्ट वर्ण, अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण ही मेल होते हैं, जुड़ते हैं, योग होता है, संधि बनते हैं। यदि प्लस अपि, इसमें ये छोटी की मात्रा है, यदि ई मात्रा से हम वर्ण को लगाते हैं, पूरा वर्ण तो बच्चों शब्द में लिखा नहीं जाता है, मात्रा ही लगती है उस वर्ण की, तो हम पहचान जाते हैं कि उस वर्ण की मात्रा है, क्योंकि वो वर्ण है। जैसे यहाँ पे छोटी की मात्रा, ई की मात्रा है, तो हम समझ जाएंगे ये ई है यहाँ पर। प्लस अपि, तो ई और ए, देखो ई और ए मिलकर क्या बना, यद्यपि, ओके, यह बन गया, ई और ए मिलकर यह बन गया। अब ये कौन सी संधि बैठेगी, ये है हम आगे संधि के प्रकार पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ संधि पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा ये कौन सी संधि बन रही है। ओके, बस मैंने इसमें इतना समझाया आपको कि जो दो वर्ण मिलते हैं, पहले क्या रखते हैं, संधि का मेल, व्याकरण में दो समीपस्थ वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को
क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जोड़ देना संधि, अलग कर देना विच्छेद करना। आइए बच्चों अब हम काइंड्स ऑफ संधि यानी कि संधि के भेद या संधि के प्रकार पढ़ेंगे। देखते हैं, ये देखते हैं इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन सी होती है? स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होने से स्वर संधि बनती है। और हमें पता ही है कि हमारी देवनागरी लिपि में या संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? 11। और विसर्ग और किसको इसको अनुनासिक को लगाकर 13 हैं। वैसे मुख्यतः 11 ही स्वर हैं। तो उन 11 स्वर के आपस में मेल होने से स्वर संधि बनती है। ए अनार से अह खाली तक क्या बनती हैं? स्वर संधि। जो वो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो वहाँ स्वर संधि बनेगी। और व्यंजन संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के आने पर व्यंजन संधि बनती है। इसमें व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के कैसे कहाँ तक ये 25 स्पर्श व्यंजन है उसमें से कैसे कवर्ग चवर्ग पवर्ग तवर्ग और तवर्ग इनमें से आने पर आगे ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तब समझाया जाएगा। आपके सिलेबस में है स्वर संधि। आप स्वर संधि को समझ लीजिए। बस मैंने इतना बता दिया है कि तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है, विसर्ग लगते हैं। ओके, आपके सिलेबस में स्वर संधि तो हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे। ये देखिए इसकी परिभाषा, एक शाब्दिक परिभाषा है इसकी, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है। मैंने बताया 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में आपस में मेल हो जाएगा तो स्वर संधि हो जाएगी। स्वर का ही मेल हो रहा, नाम से स्पष्ट है, स्वर के मेल से स्वर संधि। ओके, सीधे दिमाग में एक बात याद रखें, स्वर का मेल आपस में स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि। आगे देखिए उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद इस प्रकार हैं। अब मैं आपको उनके भेद समझाऊंगा। आइए बच्चों अब हम स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ स्वर संधि देखिए, पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि। ये स्वर संधि के चार भेद हैं। एक और होता बच्चों अयादि संधि, लेकिन वो आपके पुस्तक में सिलेबस में नहीं दे रखी इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। अयादि संधि भी होती है स्वर संधि के अंदर। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, किसके भेद हैं? स्वर संधि के। एक पांचवा मैंने बताया अयादि, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से इसको पढ़ेंगे यानी कि इसकी व्याख्या इसको खोल के अब हम पढ़ेंगे। पहला लेंगे दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। इसमें जो वर्ण है वो बड़े हो जाते हैं। हमें पता है ए ई उ री है ना, ए जो है आ बड़ा होता है, बड़ा ई होता है, बड़ा उ होता है। तो क्या होता है, ये जो बड़े हैं, चाहे हमारे छोटा और बड़ा वर्ण मिले, चाहे बड़ा और बड़ा वर्ण मिले, बनेंगे दीर्घ ही यानी कि बड़े ही बनेंगे। अभी हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझेंगे। आइए बच्चों अब हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि की परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसको मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में अवश्य आएगा। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जब हृस्वर या दीर्घ स्वर, अब हम कहेंगे हृस्वर क्या होता है, हृस्वर यानी कि लघु स्वर, लघु मानी छोटा, छोटा स्वर, हृस्वर लघु स्वर यानी कि लघु मानी भी छोटा, और दीर्घ स्वर यानी कि गुरु स्वर, गुरु मानी होता बड़ा, ये बड़ा स्वर यानी कि जब हृस्वर यानी कि छोटा स्वर या दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर ए ई उ री है, ये
बाद ह्रस्वर या दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा कोई सा भी आए, दीर्घ स्वर आता है तब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, क्योंकि आप अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है कि दीर्घ संधि। ह्रस्वर मैंने बताया छोटा स्वर और दीर्घ स्वर यानी कि गुरु बड़ा स्वर। और ह्रस्वर कौन से हैं? ए ई उरी। छोटे कौन से? ए ई उरी। और इनके बड़े कौन से होते हैं वो भी आपको अभी लिख के बताती हूँ। बड़े कौन से हुए इनकी? इसका गुरु क्या होगा? आ। इसका गुरु क्या, बड़ा क्या होगा? बड़ा गुरु। इसका गुरु या बड़ा क्या होगा? बड़ा गुरु। और इसका री का ये वाला। ओके, तो अब समझिए आप ह्रस्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ह्रस्वर है छोटा स्वर ए ई उरी, ये वाले ये ए ई उरी। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या बड़ा स्वर कौन सा है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री। कह रहे हैं कि इनके बाद चाहे छोटा यानी कि ह्रस्वर, ह्रस्वर या छोटा कह लो है ए ई उरी, ये जो चार स्वर हैं इनके बाद चाहे बड़ा आवे चाहे दोनों अपने ये सारे सेम आ जाए, एक से आ जाए, बनेगा दीर्घ ही, बड़ा ही। अब आप एग्जांपल से समझेंगे, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी। कह रहे हैं जब है स्वर या दीर्घ स्वर, इसका चाहे बड़ा हो आगे, ये है ही पूरी चार वर्ण ऐसे हैं, चाहे छोटे रूप में आ जाए चाहे बड़े रूप में आ जाए आगे, और इनके बाद फिर इनके बाद चाहे वो छोटे रूप में आए चाहे बड़े रूप में आए, जुड़कर मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अभी आप उदाहरण से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम इस दीर्घ संधि को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वही कहा है कि जब ह्रस्वर या दीर्घ स्वर यानी कि लघु या छोटा के साथ में गुरु स्वर बड़ा आ जाए या इंकुरी के साथ में सम्मिलित हो जाए तो क्या बनेगा? बड़ा स्वर ही बनेगा। आगे देखिए कि देखो जैसे सुर प्लस अरी, सुर रे में क्या छिपा हुआ है? ए। और यहाँ पर क्या है? ये भी क्या है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मैंने कहा ना बड़ा हो जाएंगे, चाहे आगे छोटा आवे चाहे बड़ा आवे, चाहे यहाँ पे छोटा आवे या बड़ा आवे, बनेंगे बड़े दीर्घ बराबर सुर। सुर इसमें आ बना आ की मतलब जाएगी, बड़ा बन जाए ना, तो सुरारी ही। ए प्लस ए बराबर आ, सुरारी ही। अब विद्या प्लस आलिए, इसमें आ बड़ा आ और यहाँ बड़ा आ मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ही। बस ये चारों स्वर जो हैं छोटे बड़े किसी भी रूप में आगे पीछे आने पर ये बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसे देखो विद्या प्लस आलिए विद्यालय, क्या क्या जुड़ा है इसमें? आ प्लस आ बराबर आ। क्षिति प्लस ईश, इसमें छोटी की मात्रा छोटी ही और बड़ी ही, प्लस होकर क्या बन गए? बड़ी ही। क्षितीश ई प्लस ई बड़ा ई। आगे देखो रत्न प्लस आकार, यहाँ पे ऐना छोटा छोटा है और यहाँ पे बड़ा आ मिलकर क्या बनेंगे? वही बड़ा। सिर्फ ध्यान ये रखना बड़े ही बनेंगे। रत्न आम कर ए प्लस आ बराबर आ। आगे देखिए गिरी प्लस इंद्र, गिरी इंद्र, ई प्लस ई बड़ा ई, गिरी ग्रह। अच्छा ये छोटा ई ये छोटा ई क्या बनेंगे? बनेंगे बड़े ही, बड़ा ही। देखो ये गिरी इंद्र, गिरी इंद्र, ओके बड़ा ही बनाया। यहाँ पे देखो श्री प्लस ईश, यहाँ बड़ा ई यहाँ बड़ा ई बनेगा क्या? बड़ा ई बनेगा। श्री शह ई बड़ा ई बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई। सीधी सी बात ध्यान रखने की है, ए ई उरी चाहे ह्रस्वर रूप में आए यानी कि छोटे रूप में आए, चाहे दीर्घ रूप में आए या बड़े रूप में आए, हैं ए ई उरी, आ बड़ा ई बड़ा उ बड़ा री, ये चारों आपस में आगे पीछे आने पर बनेंगे बड़े ही। ओके, ये है आपकी दीर्घ संधि। बच्चों उ के और री के उदाहरण भी देख लेते हैं। देखो साधु प्लस उपदेश, इसमें कौन सा? छोटा उ, और छोटा उ बनेगा क्या? बड़ा उ। साधु उपदेश तो उ प्लस उ बड़ा उ। आगे देखते हैं लघु प्लस उर्मी, ये छोटा उ ये बड़ा उ बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। लघुर्मी उ छोटा उ प्लस बड़ा उ, बड़ा उ। ओके पितृ प्लस ऋण, ये री और ये री बनेगा बड़ा ही री। पितृणम री प्लस री री बड़ा री। मातृ प्लस रिद्धि, ये रे है ना री और ये वाला री, दोनों मिलके बनेंगे बड़े, चाहे यहाँ बड़ा जाए या छोटा जाए, यहाँ छोटा जाए या बड़ा जाए, कुछ भी हो पर ए ई टू री। अगर आप इसमें
मिलते जुलते आ रहे हैं। ए ई उरी, छोटे ए ई उरी के बाद बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री आ जाए और या आगे बड़ा हो, आ ई ई उ री आगे हो और पीछे छोटा हो तो बनेंगे दीर्घ ही। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने भी बड़ा होगा। तो मात प्लस दी मातृ दी, री प्लस री री। ओके, आपका ये आज दीर्घ संधि का एग्जाम्पल पूरा होता है। आगे हम करेंगे गुण संधि। ओके आइए बच्चों, अब हम संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि पढ़ेंगे। ओके, इसकी पहले हम शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गुण संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व मैंने बताया छोटा और दीर्घ बड़ा, और साहित्यिक भाषा में कहेंगे संस्कृत में इसको दीर्घ को गुण। अच्छा, ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ई ई बता रखा है ह्रस्व ये बड़ा दीर्घ स्वर, ऊ री आवे किसके बाद, ए या आ के बाद, ये दोनों आए, ये दोनों आए या ये आए, ए आ के बाद, तो दोनों के स्थान में क्रमशः ए ओ और हो जाता है, यानी कि ए आ इसके साथ मिल गए तो ए से ए की मात्रा बन जाएगी, ए बन जाएगी, ए आ इसके साथ मिल गए तो ओ की मात्रा ओ बन जाएगा, और री के साथ आ गए तो अर बन जाएगा। क्या बनेगा, अगर ए आ के बाद इनमें से ये आ गए तो ए की मात्रा ई की, आ गए तो ए की मात्रा ए, ऊ आ गए तो ओ और री आ गया तो अर। ओके, मात्रा से जान लेते हैं, आगे देखें तो दोनों के स्थान में क्रमशः ए को अर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझा जाएगा। जैसे उप प्लस इंद्र, अब देखो ए आ गया, आगे उसके बाद क्या आया छोटा ये वाला, क्या बनेगा अभी ए बन जाएगा, तो क्या बनेगा उपेंद्र। अब क्या क्या प्लस हुआ था, ये ए और ये ई मिलकर क्या बन गया ए बन गया, ए प्लस ई बराबर ए। आगे देखते हैं रमा प्लस ईश, बता रहे हो ए आगे बाद क्या आ जाए ई ई री आ जाए, तो रमा प्लस ईश आगे बाद क्या आ गया ई आ गया, आगे बाद कौन सा आ गया ई बढ़ा जाएगा, तो क्या बन गया ए ही बनेगा, बने ए आगे बाद ई ई आए तो समझो ए, ए आगे बाद ऊ आए तो समझो ओ, ए के बाद ए आया आगे बाद री आ जाए तो समझो अर, सीधा सा नियम है। आगे देखो रमा प्लस ईश आगे बाद बढ़ाई आ गया तो क्या बनेगा वो भी ए ही बनेगा। ओके, गंगा प्लस उद्गम आगे बाद ऊ आ गया तो क्या बनेगा ओ, गंगो गम आ प्लस ऊ ओ। ओके, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि क्या क्या बना ए और री मिला रही है, ए और री अर, सप्तर ऋषि अर ऋषि बोला जाएगा, बोलेंगे आप सप्तर ऋषि तो वही अर बोला जाएगा, अर की साउंड निश्चित रूप में निकलेगी, सप्त ऋषि बोल के देखिए सप्तर ऋषि। अच्छा, सूर प्लस ईश ए के साथ पढ़ाई में लिया क्या बनेगा ए, सीधी सीधी बात बार बार समझा रही हूँ, ए आके बाद ई आ जाए तो ए, ए आके बाद ऊ आ जाए तो ओ, ए आके बाद री आ जाए तो अर हो जाए। ऐसे देखें या ध्यान से पढ़ेंगे बुक में से भी तो भी आ जाएगा, सुर प्लस ईश सुरेश, ए प्लस पढ़ाई मिलकर ए बन गया, हित प्लस उपदेश इसमें क्या बना ए और ओ मिलकर क्या बनेगा ओ, हितोपदेश देखो ए प्लस ओ ओ। आगे देखिए दे प्लस रू, रू तो ए और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा ओ ही बनेगा, तो दे वो रू, ए प्लस ऊ बोला बराबर ओ। वर्षा प्लस ऋतु ये क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा ए और री मिलकर क्या बताया था ए आ के बाद री आने पर अर हो जाएगा, देखो वर्षा ऋतु आ प्लस री अर। ओके, ये आपके गुण संधि के एग्जांपल पूरे हो गए, यानी कि ए आ के बाद छोटा ई या बड़ा ई आए तो ए, ए आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ, ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, यह आपका गुण संधि का पूरा हुआ। बच्चों ये दो एग्जाम्पल वृद्धि संधि और यण संधि मैं आपके आने वाले टर्म में करवाऊंगी। ओके, और एक चीज और, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए, मैं लिख के बता देती हूँ जिसके आपको रिमेम्बर। आइए बच्चों अब हम ये भी स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि ह्रस्वर माने क्या होता है और दीर्घ स्वर माने क्या। ह्रस्वर, ह्रस्वर यानी कि ह्रस्वर का अर्थ है छोटा या लघु, ह्रस्वर माने छोटा या लघु,
जैसे ए ई उ रि, ओके। चार देर आर फोर शॉर्ट या लिटिल वर्ड, ओके। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर का अर्थ है बड़ा या गुण, दीर्घ माने बड़ा या गुण, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री। ये जानने बच्चों आपको बहुत जरूरी है संधि समझने के लिए और संधि सीखने के लिए। ह्रस्व माने क्या है, कौन से हैं, चार ह्रस्व हैं और चार ही, बल्कि ये तो सात होते हैं, ए ऐ ओ औ ये भी होते हैं। ए ऐ ओ औ। यस बच्चों, देयर आर फोर लिटिल शॉर्ट स्वर ए ई उ री एंड फोर लॉन्ग स्वर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं, ओके। ये हो गए ह्रस्व स्वर ए ई उ री छोटे वाले, और बड़े बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री, ये हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या बड़े स्वर, ओके। आगे का आपका मैं नेक्स्ट टर्म में दो पार्ट हो रहे काइंड हो रह गए हैं उसके संधि के, वृद्धि संधि एंड ण संधि, वो मैं अगले टर्म में आपको करवाऊंगी।